वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का सेवन लेसन का जो आपका मैथमेटिक्स का सेवन प्रश्नावली है उसका 7.3 बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें एक फार्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आखिर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कैसे करेंगे, उसका ट्रिक समझते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीका से। यहाँ देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको दिख रहा है ना, हार्ट समझ रहे हैं ना, दिल जो ये देखो, रियल में वैसे दिल होता नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ हद तक इस टाइप का था, लेकिन मूवी में और दीवाने लोगों ने इसको काट छांट करके लगभग सब कुछ एक शेप दे दिया बहुत ही सुंदर, जिसका नाम हो गया हम लोग हॉट, इसको अब बोलने लगे। ठीक है, ये सिर्फ फिल्म के लिए है, रियल लाइफ में बायोलॉजी के लिए हॉट नहीं है, यहाँ समझिएगा। फॉर्मूला इससे लेकिन याद हो सकता है कैसे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कैसे कीजिएगा, लंबा चौड़ा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति के लिए 1/2, इतना तो आप जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 बेस इनटू हाइट यानी कि आधार गुणे शेषलंब उसका फॉर्मूला होता है। जब 1/2 लिख देंगे तो एक काम कीजिएगा, यहां लिखिएगा x1 x2 और प्लस में x3, इतना काम आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, 1/2 x1। अब पूछिएगा सर आप ये तीन क्यों लिखे, देखिए वो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है उसमें तीन शीर्ष होता है, कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष, मतलब सर का हिस्सा ये वाला, इसको शीर्ष बोलते हैं। मान लीजिए कि पहला वाला हो गया 2.3, दूसरा वाला हो गया -1.0 और तीसरा वाला हो गया 2.-4, और इसका एरिया निकालना है। तो आप देखिए तो तीन को है ना, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, यानी ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये वाला तीसरा हिस्सा, तो ये एक नंबर सब वन आता है, x1 y1, ये दो नंबर है तो इसमें आएगा दो ही आएगा x2 y2, ये तीन नंबर है तो इसमें आएगा x3 y3। ठीक है, ये तीन नंबर वाला है। अब फॉर्मूला में आएगा x1 x2 x3, तो तीनों का पहला वाला हिस्सा लिखा था, क्योंकि वो x है, किसी भी निर्देशांक में पहला वाला को x बोलते हैं, ये आप इतना समझ गए। अब फॉर्मूला लिखें कैसे, ये हॉट दिख रहा है ना, आप एक काम कीजिएगा, x1 तो लिख दिए, 1/2 है ना, तो 2 से स्टार्ट कीजिए, जब 1/2 है तो कहाँ से बाबू स्टार्ट किए, 2 से, 2 और 3 लीजिए, क्या लीजिएगा, y2 और y3, उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए ना, अब यहाँ से आगे आइए, 3 और 1, क्या लीजिएगा, y3 और y1, फिर यहाँ तक आए थे ना, यहाँ से आगे बढ़िए, ये वाला नहीं लिए थे, y1 और y2 माइनस में, ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार लगा हो तो एक बार लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाले शीर्ष का नाम 2.3 है, दूसरे वाले का नाम -1.0 है, और तीसरे वाले का नाम हो जाएगा 2.-4। इसका एरिया निकालना है ना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए 1/2 x1, बताए थे ना सब, ये x है, एक नंबर वाले को x1 बोलते हैं, और ये हो जाएगा इनटू y2 - y3। y2 क्या है, y2 इधर दो नंबर में जाएगा, तो 0 - y3 हो जाएगा -4, और यहाँ ब्रैकेट एक और डाल दीजिएगा, क्योंकि दो ठो माइनस ना अच्छा नहीं लगता है, तो एक घिर दीजिएगा ऐसे। अब प्लस x2 हो जाएगा -1, और y3 हो जाएगा -4, और -y1 हो जाएगा 3, प्लस x3 कितना है 2 हो जाएगा, y1 आपका हो गया 3, और -y2 हो जाएगा 0। बस अब इसको सॉल्व कर देना है वैल्यू पुट करके, ये हो जाएगा 2, -, प्लस प्लस में 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा (4), क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो क्या बचता है (2) होता है, प्लस माइनस माइनस -1 लिख देते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइएगा तो हो जाएगा -7, प्लस 2 3 6, क्योंकि ये 3 0 घटाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखिए 1/4 4 2 कितना हो जाएगा ये बाबू, 4 2 हो जाएगा 8, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 4 2 8, ये दोनों को कीजिए तो -, प्लस 7 1 7, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 6, ये हो जाएगा 1/2, 7 और 8 कितना होता है 15 15 और 6 21, 21 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 21/2 क्षेत्रफल निकल रहे हैं, तो इसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग इकाई में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, समझ में आया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए
सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ते हैं। जब आपको ये पता हो गया वैल्यू पुट करना, तो बस फॉर्मूला वही लिख देना है, उसमें टोटल भर करके और सॉल्व कर देना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, दो ठो था एक ठो हम बना दिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम करीब है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है इसमें के का मान निकालना है, जबकि यहाँ बाबू पता है क्या कह रहा है, तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीन गो बिंदु। ये जो लिखा है ना, एक वैल्यू दो और तीन बिंदु का वैल्यू दिया है। आप बताइए कि जब यहाँ पहले बिंदु 7, -2, 2, -1 और 3, के है, अब बोल रहा है के का मान निकालना है। आइए क्या बोल रहा है, संरेखी है, एक ही रेखा पर है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। तो आप बताइए कि क्या यह कभी जिंदगी में संभव है कि एक ही लाइन पर तीन गो बिंदु हो जाए ऐसे, ठीक है, और वो संरेख हो, तो बताइए त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनाने के लिए अलग अलग जगह पर बिंदु होना चाहिए, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, यानी जब भी कोई भी संरेखी लाइन होगा, एक ही रेखा पर अगर सब बिंदु होगा तो कोई फिगर बनता ही नहीं है, एक लाइन सीधा हो जाता है, इसी को बोलते हैं संरेख। यानी कि त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो का मतलब क्या, अच्छा आप बताइए, हम बोले कि तीन बिंदुओं से मिला के त्रिभुज बनाना है, और तीनों बिंदु सामने सामने होना चाहिए, तो जिंदगी में कभी त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए कि तीन कैसे त्रिभुज बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे कीजिएगा तब जाके ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर एक त्रिभुज बन गया। तो तीनों लाइन सामने होगा तो कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कुछ होगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल नहीं होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो, जब नहीं होता है तो जीरो। तो संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां देखिए 1/2, ट्रिक तो याद है, हॉट वाला दिल वाला बताए थे। ठीक है, अब देखिए यहां दिल में कैसे रहना है, x1 × y2 में से, यहां 2 है तो वहीं से शुरू करना है, ये तो x1 x2 x3 लाइन से रहेगा, 2 है तो 2 से y2 − y3, अब प्लस ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y3 − y1, अब प्लस x3, ट्रिक बता चुके हैं हम, और ये हो जाएगा y1 − y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर, आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बना ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, 1/2, x1 कितना है 7 × y2 है 1 − y3 है k इंटू, प्लस x2 कितना है 5, यहाँ आपका x2 हो जाएगा 5 × y3 कितना है बाबू, तो देखिए यहाँ आपका y3 ये वाला है 3, तो आपका हो जाएगा k माइनस, y1 हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y3 − y1, प्लस x3 कितना है 3 है इंटू, y1 कितना है y1 है −2 इंटू y2 हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बचा 7 × 1 7 के, ये कैसे हो गया, जब बीच में बराबर होता है तिरछा तिरछी गुणा होता है तो बाबू 0 हो जाता है। ठीक है, ये 7 के हो जाएगा, प्लस ये −−, प्लस 5 के, −−, प्लस हो जाएगा 5 × 2 = 10, और ये −2 और −1 − 3 है, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन किस में, −9 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 है, एक जात को एक जगह कीजिए, ये नंबर है ये भी नंबर दोनों है, तो 10 में से जब 1 घटाई 9 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से जब 5 को घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 2k, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2k = 8, ये घटाइएगा 2 × 4 = 8, k बराबर कितना आ गया 4, k का मान आपका 4 आ गया। तो देखिए, तो ये बहुत आसान था कि नहीं, जब भी बोले संरेखी है तो डायरेक्ट त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, संरेखी माने एक ही रेखा पर तीन बिंदु आ रहा है, तो जब तीन बिंदु है तो कोई फिगरे नहीं बनेगा, किस कोई जगह नहीं छेगेगा, तो जगह नहीं छेगेगा तो किसी भी चीज़ का एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो भर दिए, उस हिसाब से के का मान निकल गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है, यहां देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी के का वैल्यू निकाल देना है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपका फिर मिटा दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 − y3 प्लस x2 y3 − y1 प्लस x3 y1 − y2 हो गया।
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 1/2 दो नंबर बता रहे हैं, देखिए दो नंबर। अब क्या है, एक्स वन है तो एक्स वन डालिए 8 × वाई टू हो जाएगा माइनस में 4 माइनस वाई थ्री हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। अब देखिए दो टू माइनस है ना, खूबसूरती गबड़ा जा रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ देखिए एक्स टू के है इंटू वाई थ्री कितना है, तो वाई थ्री आपका माइनस 5 और माइनस वाई वन हो जाएगा 1, अब प्लस एक्स थ्री आपका 2 × वाई वन 1 माइनस वाई टू कितना है, वाई टू आपका माइनस में 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अब प्लस में यहाँ 5 गो हो जा रहा है और माइनस में 4 गो हो जाए, तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में जब यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा ना, तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 6 में के से तो माइनस में 6 के। अब प्लस माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्रैकेट डालेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट डालेंगे तो प्लस माइनस आखिर होता क्या है, माइनस, क्योंकि आपको ट्रिक भी बताया है कि जब अलग अलग होगा तो क्या होता है, माइनस होता है, आ एक जैसा होता है तो प्लस होता है, ये याद कर लीजिए। देखिए तो दोनों एक जैसा है, प्लस ये भी दोनों एक जैसा है, ऐड कर दीजिएगा, लेकिन जहां इधर उधर देखिएगा माइनस होता है, यानी इधर उधर होगा तो माइनस होगा, एक जैसा होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 1 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको जरूर समझ आया होगा, 0 बराबर ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 6 के प्लस 10, 10 और 8 कितना होता है, 18 होता है, 0 बराबर हो जाएगा आपका 18 माइनस 6 के, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 के बराबर 18, 6 3 18, के बराबर कितना आ गया, 3, तो के का भी मान निकल गया। संरेखी भी फॉलो कर लिए, जब संरेखी होता है तो एरिया 0 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है, बहुत आसान है लेकिन घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीर्ष हो, यहाँ पे जो शीर्ष आपको दिया गया है, शीर्ष का मतलब आप समझते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ई वाला 3 गो शीर्ष हो गया, सिर का हिस्सा शीर्ष समझ लीजिए, ठीक है। शीर्ष क्या कह दिया है, 0, -1, समझिएगा ध्यान से, 2, 1 और थर्ड नंबर में है 0, 3। ऐसे कह रहा है क्या कि तीनों बिंदु वाले त्रिभुज की भुजाओं, 3 गो भुजा है कि नहीं, भुजाओं के मध्य, कह रहा है कि 3 गो भुजा है और इसके बीच में एकदम मध्य का बात करें, यहां से भी एक त्रिभुज बन रहा है, मतलब एक ऐसे त्रिभुज है, इसके बीच में लीजिए एक ई लाइन के बीच में, एक इसके मध्य में एक ऐसे, जब मिलाइएगा ना तो एक और त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, दो ठो त्रिभुज बना, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और जब दोनों त्रिभुज का एरिया निकल जा रहा है, क्या निकल जा रहा है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका अनुपात निकालना है। अब अनुपात क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, समझिएगा। अनुपात का मतलब होता है कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए कि एक राम है एक श्याम है, आई दोनों का अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं करना, अनुपात मैंने बांटा होता है, क्या होता है, पहले राम बोले है ना, तो राम के रुपए, मान लो कि राम के पास 15 रुपया है और श्याम के पास 20 रुपए है, हम बोले कि दोनों का अनुपात निकालिए, बस बांटा कर दीजिए, हो गया अनुपात। उसी तरह ये कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो एक काम कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका भी निकाल लीजिए और इसका भी निकाल लीजिए और दोनों को बांटा कर दीजिएगा। जब बांटा कीजिएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 20, अब ये कटेगा, जब नहीं कटता है ना तो उसी को अनुपात कहते हैं, तो 3:4 एक्स का आंसर हो गया, 3:4। तो पहले एक काम करते हैं, हमको तो सिर्फ बड़ा वाला दिया है ये वैल्यू इसका मान, ठीक है, ये वाला कहाँ दिया है, लेकिन एक चीज दिया है ना, इसके मध्य बिंदु में ये है, तो इसके मध्य बिंदु से ये वाला निकाल लीजिए, इसके मध्य बिंदु से ये वाला और इसके मध्य बिंदु से ये वाला, जब ये तीनों निकल जाएगा तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के बट्टा कर देंगे हम लोग। यहाँ समझिएगा, ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ए बी का मध्य बिंदु निकालते हैं, ए बी का मध्य बिंदु, फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, पहला वाला जोड़ के बट्टा टू, 0 + 2/2 कमा माइनस वन और ये वन जोड़ दीजिए, माइनस वन प्लस वन और बट्टा में 2, ये ए बी का हो गया। जब इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0 और 2, 2/2 कमा एक में से एक जाएगा 0/2, कटेगा तो 1, ये हो जाएगा 0, तो मिला जुला के आपका आया 1, 0। इस बिंदु का नाम, इसके मध्य में ए बी के मध्य क्या आ गया, 1, 0। अब बी सी के मध्य देखो, बी सी का मध्य बिंदु, फॉर्मूला तो वही है,
इसका पहला वाला इसके पहले वाले को जोड़े यानी एक्स वन प्लस एक्स टू बटा में दो, क्यों बटा में टू, क्योंकि दो ही ठो जोड़ रहे हैं, इसका लास्ट वाला इसके लास्ट वाला को जोड़ के बटा में टू यानी दो प्लस जीरो बटा दो अकमा वन प्लस थ्री अबटा में टू, आपको हम बता चुके हैं, जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, पूरे का पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति का एक ही वीडियो में निचोड़ बताएं, एक बार उसको जरूर देखिए एग्जाम से पहले। यहाँ देखिए दो में ये जोड़िएगा तो दो बट्टा दो, तीन और एक चार बट्टा दो, जब इसको कटाइएगा तो एक कट जाएगा एक बार में, यानी इसका आया एक कमा दो, इसका कितना आ गया एक कमा दो। एसी का मध्य बिंदु निकालिए, एसी का मध्य बिंदु, जब एसी का मध्य बिंदु निकालिएगा तो एसी में क्या है एक्स वन एक्स टू को जोड़िए तो जीरो प्लस जीरो बट्टा टू माइनस वन प्लस थ्री बट्टा टू, ये कितना हो जाएगा जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा जीरो, और तीन में से एक जाएगा तो दो, और दो से दो कटेगा तो एक हो जाएगा, ठीक है, हो गया इसका मध्य बिंदु। अब तीनों का नाम लिख लीजिए, मिला दीजिए त्रिभुज, ए यहाँ पे क्या था बी सी के मध्य बिंदु, बी सी के बीच में ये आया, ए सी में आया जीरो कमा एक। अब क्या करना है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल ले, छोटा वाले का क्षेत्रफल निकाल ले, लेकिन कैसे बट्टा में करेंगे, यहाँ देखिए कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, जो ये नया त्रिभुज बना है ना इसके साथ और जो दिया है उसके साथ अनुपात, तो पहले नया वाला का बोला है तो नया वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला का क्षेत्रफल नीचे, आराम से उसको कटा देना है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है एक बट्टा टू एक्स वन, फॉर्मूला तो याद है टू है तो टू में से थ्री को घटाइएगा, फिर थ्री से ही उठाना है, थ्री में से एक्स थ्री वाई थ्री होगा, वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस एक्स थ्री यहाँ पे हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू, बड़ा वाला के लिए निकालिए तो एक बट्टा टू हो जाएगा, एक्स वन कितना है तो जीरो है, अच्छा है कि जीरो है, जीरो में आगे सबसे गुणा करो सबको जीरो बना देता है, जीरो होता है मैथ का हीरो। यहाँ देखिए वाई टू हो जाएगा वन माइनस वाई थ्री तीन हो जाएगा, ठीक है, आप प्लस एक्स टू क्या है तो एक्स टू आपका हो जाएगा दो इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी कि वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री तीन और माइनस वाई वन वन हो जाएगा, एक्स थ्री आपका जीरो, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है, वन बट्टा टू ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि ब्रैकेट में जीरो है सब में गुणा होगा तो जीरो, ये हो जाएगा माइनस अ माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस मिला के प्लस, तो तीन प्लस एक चार, चार दुना कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, आइए भी गुणा कीजिएगा तो वही देखिए, तो जीरो से सब किसी में गुणा कीजिए बात वही होगा, एक और एक दो हो जाएगा माइनस में, जीरो से गुणा तो कहानी इसका भी खत्म और इसका भी खत्म, तो ये हो जाएगा चार दुना आठ, इसको कटा दीजिए चार से, कितना आया चार, इसका क्षेत्रफल चार आया। अब छोटका का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो यही है वन बाई टू एक्स वन, इसको मान लीजिए वन, इसको मान लीजिए टू, और इसको मान लीजिए थ्री, ठीक है, ये सब वन टू थ्री, एक्स वन वन वाले में आएगा, क्या हो जाएगा वन इन टू, यहाँ देखिए वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री दो माइनस एक होगा, दो माइनस एक प्लस एक्स टू, एक्स टू कौन होगा वन इन टू, यहाँ दो है, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री है वन और माइनस वाई वन है जीरो, प्लस एक्स थ्री हो जाएगा जीरो इंटू वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन आपका हो जाएगा जीरो और माइनस वाई टू हो जाएगा दो, वन बाई टू, दो में से एक जाएगा एक, और एक से एक क्या, एक और एक एक ही हो जाएगा, आइए हो जाएगा प्लस में वन, आइए आपका हो जाएगा जीरो, ये खत्म हो जाएगा, जीरो से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए एक बटा टू, एक और एक कितना होता है दो, दो एक कम दो, ये आपका कितना आया वन, आप खुद देखिए बाबू, छोटा वाले का वन आया अब बड़ा वाले का चार आया, और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इस जो नया त्रिभुज बना है ना वो और जो पहले से दिया है वो दोनों का अनुपात, तो पहले नया वाला बोला है तो पहले नया वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, तो यहाँ हो जाएगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले छोटा वाला का बात है तो छोटा वाला है वन, अब बट्टा अनुपात माने बट्टा, बड़ा वाला है चार, तो हो जाएगा एक अनुपात
चार। कुछ नहीं करना है, एक बार छोटा वाले का निकाल दो, एक बार बड़ा वाले का, अब बट्टा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीन शॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कितना आसान है। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल माने जितना जगह छेका है ना, वो कितना दूर में जगह छेका है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, वो जगह निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। इसी क्रम में एक दे दिया है, सबका निर्देशांक दे दिया है। इस पॉइंट का नाम हो गया आपका माइनस चार कमा माइनस दो, इसका नाम हो गया माइनस थ्री कमा माइनस फाइव, इसका थ्री कमा माइनस दो और दो कमा थ्री, इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग तो पढ़े थे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि जब सब लाइन बराबर हो उसका पढ़े थे एक बटा टू और विकर्णों का गुणनफल। लेकिन इसका भी बहुत आसान है। कैसे आसान है बाबू, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, खींच दीजिए। ठीक, जब लाइन आप खींच दीजिएगा तो बताइए एक त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो मान लीजिए कि जब एक त्रिभुज बन गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको निर्देशांक में पता है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ दीजिएगा तो चतुर्भुज तो बन ही जाएगा ना। तो दोनों का निकाल लीजिए, नाम लिख दीजिए ए बी सी और डी। पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद से ए सी डी का, और दोनों का निकाल के जोड़ दीजिए, चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी का एक बट्टा टू एक्स वन, और टू है तो टू से शुरू कीजिए, वाई टू वाई थ्री, थ्री आ गया ना, यहाँ एक्स टू डाल दीजिए, थ्री माइनस वन। ठीक है, जो खत्म होगा वहीं से शुरू आई, वहाँ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री लाइन से रहेगा, और यहाँ हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू। समझ आए हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ देखिए ना, y2 था तो 2 से शुरू किया, 2 माइनस थ्री हो गया, ये 3 से शुरू किया 3 माइनस, आगे बढ़ेगा 1। आपको एक हॉट वाला दिल वाला बताए थे फॉर्मूला का ट्रिक। ठीक है, यहाँ देखिए एक बट्टा टू है, x1 कितना है, मान लीजिए कि ये a a b c में ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो x1 ये पहला वाले में हो जाएगा माइनस चार इंटू, वाई टू कितना है, तो वाई टू देखिए टू में आइए माइनस पाँच, और माइनस y3 आपका हो जाएगा माइनस में दो, दो माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट दे दिया जाता है, प्लस x2 है माइनस तीन, y3 है माइनस दो, और माइनस y1 आपका है कितना, y1 है माइनस में दो, और ये आपका हो गया आपका प्लस x3 कितना है थ्री इंटू, y1 हो जाएगा माइनस टू, और माइनस y2 हो जाएगा माइनस में पाँच। ठीक है, ये आपका a है, इधर साइड में अलग कर दीजिए इसको, माइनस चार कमा माइनस दो, ये वाला ए वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए कैसे होगा, एक बट्टा टू माइनस चार, ये हो जाएगा देखिए माइनस पाँच, माइनस माइनस प्लस में टू, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस थ्री माइनस टू, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस में पाँच। ठीक है, यहाँ देखिए अब डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, यहाँ से पाँच में से जब दो घटाइएगा तो तीन बचेगा, तीन चौका बारह, यानी प्लस में बारह, क्योंकि इसका माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ दो में से दो जाएगा जीरो, यहाँ थ्री है। ठीक है, जीरो में तीन से गुणा कीजिएगा तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पाँच में से दो जाएगा तो तीन है, तीन तरीका नौ हो जाएगा। ठीक है, नौ और बारह कितना होता है, इक्कीस बटा में दो, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, ए बी सी इसका पूरा एरिया जो जगह छेगा वो कितना आया, आपका इक्कीस बटा दो है ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए बाबू, अब ये वाला क्षेत्रफल निकल गया, दोनों को क्या कर दें हम लोग, जोड़ दें। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला तो आपको पता है एक बटा टू एक्स वन, एक्स वन है माइनस में चार, ए सी डी का बात करें, यहाँ लाइन से एक काम करते हैं, लिख देंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ए पर क्या है माइनस चार कमा माइनस दो, बी पर क्या है सी पर है तीन कमा माइनस दो, और डी पर है दो कमा तीन। अब यहाँ से आराम से भर लीजिए। ठीक है, ये तीनों लिख दिए हैं, यह हो गया आपका क्या x1 हो गया इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू माइनस वाई थ्री यानी कि माइनस दो और माइनस में तीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस, उसके बाद क्या होता है x2 होता है, x2 क्या है बाबू थ्री है, थ्री वाई थ्री माइनस वाई वन, अब प्लस एक्स थ्री क्या है, एक्स थ्री है टू इंटू वाई वन माइनस वाई टू, माइनस टू और माइनस टू, ऐसे हो गया एक बट्टा दो।
तीन और दो कितना होता है, माइनस में पांच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पांच चौका बीस हो गया प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस करो तीन है दो पांच, अब पांच तीन कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में दो अब माइनस में दो घटेगा तो जीरो, जीरो में दो से गुणा करोगे तो क्या होगा जीरो ही होगा, लिखो चाहे मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा पैंतीस बट्टा में दो, ये भी वर्ग इकाई हुआ, वर्ग इकाई आपका आ गया पैंतीस बट्टा दो, इसका आया था आपका इक्कीस बट्टा दो क्षेत्रफल और इसका आया था पैंतीस बट्टा दो, अब बोल रहा है पूरा का क्षेत्रफल निकाले, तो पूरा इतना त्रिभुज का है इक्कीस बट्टा दो, इसका पैंतीस बट्टा, दोनों को जोड़ दीजिए पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो देखिए किसका निकालना है हमको, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी, और उसमें क्या जोड़ दीजिए, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, जब देखिए तो दोनों जोड़िएगा तो पूरा ए बी सी डी चतुर्भुज बन जा रहा है, इसका आया है इक्कीस बट्टा दो प्लस इसका आया है पैंतीस बट्टा दो, जब जोड़िएगा ये बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो इक्कीस प्लस पैंतीस बराबर हो जाएगा छप्पन बट्टा दो, कटाइएगा तो हो जाएगा अट्ठाईस, यानी कि इसका आंसर आएगा अट्ठाईस वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई में लिख दिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आपका पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है 28 वर्ग इकाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बिना देर के इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 7.3 का, अब इस 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, जब आप कक्षा 9th का जब किताब एनसीईआरटी का खोलिएगा तो उसमें उदाहरण नंबर एक मतलब अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3 दिखेगा, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो उधर अलग बनाना है, इसमें अलग बनाना है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है बाबू, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, समझिएगा एक त्रिभुज है, अब माध्यिका माने होता है कि बीच से टूटना, तो कह रहा है कि ऊपर से अगर एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ा हो गया गबड़ा गया ना जी, ऊपर से खींच रहे हैं तो ये बराबर भागों में टूट रहा है, तो क्या सही में जब ये इस लाइन के ए बी सी इसका मान डी यानी बी सी लाइन के एकदम ही बीच में गिरेगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि अगर ये वाला लाइन बराबर है तो क्या इसके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, वो वही साबित यहाँ पे कर देना है, ठीक है, जबकि यहाँ पे शीर्ष दे दिया है ए बराबर कितना दिया है 4, -6, बी बराबर कितना दिया है 3, -2 और सी बराबर दिया है 5, 2, साबित करना है कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो उसके लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए ना, तब ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो उपाय है ना बीसी के मध्य बिंदु निकालिए, एकदम मध्य में है ही माध्यिका है तो मध्य में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका बोला है बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ बीसी का मध्य बिंदु यहाँ डी निकाल लेते हैं, बीसी का मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2 यानी 3 + 5/2 अकमा -2 + 2/2 ये 5 और 3 8/2 और ये घटेगा तो 0/2 ये कटाइएगा तो 4 हो जाएगा और ये कटाइएगा तो 0 हो जाएगा 4, 0 इसका मान कितना आ गया डी का 4, 0 अब इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल दीजिए एक बार इसका अगर दोनों बराबर आया तो वही सत्यता की क्या करना है जांच करना है सत्यापन करना है कि सही में बराबर आ रहे का जब ऊपर से बीच में देखो ए से अगर बीचो बीच बी सी को अगर ये तोड़ दे रहा है लाइन तो इसका एरिया भी और इसका एरिया दोनों का एरिया क्या होता है बराबर होता है तो यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर करना है क्या त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ये बराबर करना है ठीक है तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें ए बी सी का क्षेत्रफल आपको जब इससे निकालने से पहले एक काम कीजिएगा क्या हमको ए बी सी लेना है ना इसको लाइन से लिख दीजिए ऐसे ठीक है ए पर है 4, 6 ठीक माइनस से है और बी पर है 3, -2 और सी पर है 4, 0 ताकि मान भरने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा 1/2 फॉर्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं है x1 क्या होता है तो x1 आपका 4 + y2 - y3 -2 - 0 + x2 है आपका 3
इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री है जीरो और माइनस वाई वन है माइनस में सिक्स, और प्लस एक्स थ्री है फोर और वाई वन माइनस वाई टू तो माइनस छ और माइनस ऐसे दो हो गया, ठीक है। एक बट्टा टू चार हो जाएगा, और ये देखिए माइनस दो में से जीरो हटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस नहीं होता है, यहाँ चार, चार दूना डायरेक्ट लिखिए कितना आठ लेकिन माइनस में, ठीक, और यहाँ पे प्लस, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और छः तेरी अट्ठारह, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस ये दोनों मिलेगा तो प्लस, छः में से जब दो घटाइएगा तो माइनस में चार, चार चौका सोलह माइनस में, ठीक है। एक बट्टा दो, अब यहाँ सोलह और आठ ये दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए तो चौबीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौबीस माइनस में, अब प्लस में हो जाएगा अट्ठारह। एक बटा टू, चौबीस में से अट्ठारह जाएगा तो छः बचेगा, लेकिन किस में छः बचेगा माइनस में, कटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में तीन, यानी कि पहला वाला का आंसर माइनस में तीन आया। अब दूसरे वाला का आंसर अगर बराबर आएगा, इसका मतलब ऊपर से जो लाइन आता है ये बी सी के बीच में जाता है तो एकदम बराबर एरिया में भी तोड़ता है क्षेत्रफल में। अब निकालिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है एक बट्टा टू, जिस तरह इसका लिखे थे एक बार कहीं उसका भी लिख दे लाइन से, ए का मान इधर साइड में लिख दे रहे हैं फिर मिटा देंगे, चार कमा छः पर काम करना है हमको, फिर चार कमा जीरो पर काम करना है, और फिर पाँच कमा दो पे काम करना है। फॉर्मूला भरिए, यहाँ पे एक्स वन है तो चार इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री तो जीरो माइनस दो, प्लस एक्स टू, एक्स टू है चार इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री है आपका दो और y1 है माइनस छ, ठीक है, अब प्लस x3 है पाँच इंटू वाई वन माइनस वाई टू तो y1 हो जाएगा माइनस छ और y2, y2 आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए वन बाई टू हो जाए चार दूना आठ, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और छः चौका कितना हो जाएगा छः और दो आठ हो जाएगा, आठ चौका बत्तीस, ठीक, और ये हो जाएगा आपका माइनस में छः, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, छः पचे कितना हो गया तीस हो गया, छः पचे तीस लेकिन माइनस में, ठीक। एक बट्टा टू, तीस और आठ कितना होता है माइनस अड़तीस और प्लस बत्तीस, यहाँ अब देखिए एक बट्टा टू, अड़तीस में से बत्तीस जाएगा तो माइनस में छः, दो तिया छः यानी माइनस थ्री, इसका भी एरिया आया माइनस थ्री और इसका भी एरिया आया माइनस थ्री, यानी कि अगर कोई त्रिभुज का कोई भी एक रेखा अगर ये माधिका उसे बराबर भाग में बांटती है तो उसका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है बराबर, यहाँ देख सकते हैं इसका भी माइनस तीन आया और इसका भी माइनस तीन आया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और फिर हम लोग अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी बाकी है, इसका ऑब्जेक्टिव वीवीआई लगभग तीन या चार बुक का निचोड़ है, एमबीडी है, ब्रिलियंट है, आपका गोल्डन है, बहुत सारा जो गाइड है उस टोटल बुक का निचोड़ और आपकी किताब का निचोड़ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। अगर आप कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं लेकिन वो वीडियो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 95 प्लस आना ही है, लेकिन हाँ मेहनत जबरदस्त तरीका से करना होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।